पीएम जो है वही रहना चाहिए, वही रहना चाहिए। पीएम देश का वही होना चाहिए जो देश की मूलभूत समस्या को समझे। नरेंद्र मोदी जो जिसको पब्लिक चाहेगी वही बनेगा। क्योंकि मोदी जी ने शुरू में तो बहुत अच्छे काम किए, लेकिन अब तो उससे कुछ डाउन चल रहा है मामला। मोदी जी सिवा कोई नहीं बनेगा। नरेंद्र मोदी सर। नरेंद्र, राहुल गांधी। राहुल गांधी आना चाहिए। क्यों, पीएम कौन बनना चाहिए आपकी बार? राहुल गांधी। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। मोदी 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 बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? मोदी सही है। केवल मोदी, मोदी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मोदी जी है। मोदी जी है। नमस्कार, इस समय हम उपस्थित हैं भारतीय रेल की एक जनरल बोगी में। और जनरल बोगी में इसलिए क्योंकि यहाँ पर सामान्य वर्ग का आदमी, हर प्रकार का आदमी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। भारतीय रेल में इसलिए हम शूट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तमाम जगहों से आया हुआ आदमी होता है और हर देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग आते हैं और ट्रेन में सफ़र करते हैं। तो हम सफ़र करने वाले सहयात्रियों से अपने पूछेंगे आज कि अब की बार प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी, ये जानने की कोशिश करते हैं। सर, सर इस बार नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, कौन पीएम बनना चाहिए? पीएम जो है वही रहना चाहिए। वही रहना चाहिए जो है। क्या नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, पीएम कौन बनना चाहिए? देखिए सर, पीएम देश का वही होना चाहिए जो देश की मूलभूत समस्या को समझे। चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे नितिन गडकरी जी हों, चाहे कोई हो, जो देश की आवश्यकता को समझे, देश की मूलभूत समस्या को समझे, वही अपने देश का। क्या है इस समय मूलभूत समस्या? क्या है मूलभूत समस्या? जो है आज के नौजवानों की तो रोजगार की है, आप जान ही रहे हैं जी। उनको रोजगार चाहिए, हमारी सड़कें अच्छी होनी चाहिए। निसंदेह सरकार जो है सड़क की तरफ जो है ध्यान दिया है और सड़कें बढ़िया बन रही हैं, और साथ साथ है जैसे गांव की गरीब जनता है उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमारे देश की लगभग आधे से ज़्यादा आबादी गांव में रहती है, किसानी पर निर्भर है, हमारी आबादी भी जो है कृषि प्रधान देश है हमारा। तो जो एग्रीकल्चर की समस्या है उस पर ध्यान दे, समय से उनको खाद मिले, समय से बीज मिले, ये सब समस्याएं जो है ध्यान में रखते हुए सरकार काम करे, कोई भी प्रधानमंत्री बने, क्या फर्क पड़ता है जी। उम्मीद क्या है? अब सर ऐसे तो प्रयास लगाना बड़ा मुश्किल है, अभी एक साल है, चाहे जो बने, चाहे राहुल जी बने, चाहे नरेंद्र मोदी जी बने, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे जो। सर इस बार अगला पीएम कौन बनना चाहिए, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ जी सर, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी अगला पीएम कौन बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी, आपको क्या लगता है कौन बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। सर, जो जिसको पब्लिक चाहेगी वही बनेगा। चलिए, थैंक यू। अगला पीएम कौन बनना चाहिए, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? सर, जिस हिसाब से महंगाई चल रही है उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मोदी जी ने शुरू में तो बहुत अच्छे काम किए, लेकिन अब तो सर कुछ डाउन चल रहा है मामला। तो शायद मुझे लग रहा है कि जनता भी यही चाह रही है कि अब की जो है कुछ परिवर्तन होना चाहिए, और मुझे शायद ये लग रहा है कि अब की शायद राहुल गांधी जी आगे बढ़े, क्योंकि कुछ माहौल ऐसा हो गया है महंगाई को लेके, देख रहे हैं टमाटर 160 में या अदरक वगैरह, तो इसलिए मुझे लगा सर कि शायद बदलना चाहिए, क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान है सर। बदलना चाहिए। ओके, थैंक यू। सर इस बार पीएम कौन बनना चाहिए, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, आपको क्या लगता है सर? मोदी जी सिवा कोई नहीं बनेगा। कोई नहीं बनेगा। सर क्या लगता है आपको, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी सर। नरेंद्र मोदी। मोदी जी बनेंगे साहब का। मोदी जी बनेंगे। मोदी। और कोई नहीं बनेगा। चमत्कार को नमस्कार जी। चमत्कार को नमस्कार। चमत्कार को नमस्कार है कि यही बनेंगे मोदी। अच्छा जी, अच्छा जी, थैंक यू। मोदी जब तक इंडिया में रहेंगे, जब तक लड़ेंगे वही बनेंगे। ओके ओके, चले जाएंगे तब सोचेंगे कौन बनेगा जी। जब तक मोदी जी जिंदा है उनके सिवा, और जब तक चाहेंगे वही बनते रहेंगे, उनके सिवा कोई नहीं बनने लायक है ही। चलिए मैम, आप बताइए जी। मैं वही भी बोलना चाह रही, मैं भी मोदी जी आएंगे। ओके, थैंक यू। सर इस बार पीएम कौन बनना चाहिए, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी? राहुल गांधी सर। गांधी। राहुल गांधी सर, आप क्या सोचते हैं? राहुल जी। राहुल गांधी मैम। मोदी। मोदी जी, आप क्या सोचते हैं सर? नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, हु विल बी नेक्स्ट पीएम? नरेंद्र मोदी। थैंक यू। सर इस बार जी राहुल गांधी। राहुल गांधी आना चाहिए। क्यों? बस ऐसे ही ऐसे ही।
ऐसे ही सर, क्या सोचते हैं आप इस बार नरेंद्र मोदी राहुल गांधी हो गए नेक्स्ट पीएम? राहुल सर, आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी, आपको क्या लगता है? जय बन नहीं तय सरकार सही आंसर। अच्छा, आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी? मोदी। मोदी जी। मैडम आप क्या सोचती हैं, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी? राहुल। सर अगली बार पीएम कौन बनना चाहिए, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? किसी को बन जाए भैया। जी मैम, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? जो सही वही बने बस। आप क्या सोचती हैं, कौन सही लगता है? नहीं पता। आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी? अच्छा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? हाँ बताइए। हेलो। सर अगली बार पीएम कौन बनना चाहिए, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी? किसको बताया? जिसको आप चाहते हो। अच्छा, अगली बार पीएम कौन बनना चाहिए, पीएम कौन बनना चाहिए अब की बार? राहुल गांधी। राहुल गांधी यार, आपको क्या लगता है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। सर मोदी जी। मोदी जी। मैम मोदी जी, आप क्या सोचती है? मोदी जी। आपकी बार पीएम कौन बनना चाहिए, मोदी जी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। मैम नरेंद्र मोदी। आप क्या सोचती है? नरेंद्र मोदी। खाली मोदी मोदी और कोई नहीं। तो पद अब उसका दूसरे पति के साथ अफेयर चल रहा है, वो तो सब सामने दिख ही रहा है ना, उसका पति कर रहा है, इसके पहले तो सब कुछ सही था, तो ऐसा क्या हो गया कि एसडीएम बन गई, अब हम यार अपने पति को तलाक देने, उसका पति भी कर रहा है कि भैया इनसे एसडीएम पद इनसे छीन ले, फिर ये तलाक दे कुछ भी करे, लेकिन एसडीएम ना बनाए, ये देश नहीं चला सकते। चलिए धन्यवाद। नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी पीएम कौन बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी बनना चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? अमन कुमार जायसवाल। कहाँ रहते हैं? प्रयागराज। प्रयागराज रहते हैं। धन्यवाद। सर आप क्या सोचते हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी पीएम कौन? नरेंद्र मोदी ही बनना चाहिए। नरेंद्र मोदी बनना चाहिए, क्यों? देश को आगे बढ़ा रहे हैं, पहले जो देश का पोजीशन था इकोनॉमी में वो अब इसमें फ्रांस से आगे आ गया है, और अभी जैसे कि अभी जो विदेश में उनकी मीटिंग थी वहाँ भारत का नाम रोशन हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इसी तरह से देश में पीएम तो नरेंद्र मोदी होने चाहिए। सर आप क्या सोचते हैं, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी? फिलहाल तो नरेंद्र मोदी को ही रहना चाहिए अभी, क्योंकि थोड़ा क्रिमिनलिटी कम हुई है, करप्शन के जो बाकी जो पैसे वैसे हैं वो वापस आ रहे हैं सब, तो अभी तक तो नरेंद्र मोदी फिलहाल चलने चाहिए अभी तो। चलिए थैंक यू। मैम आप क्या सोचती हैं, नहीं मोदी या राहुल गांधी, बस इतना बताइए, मोदी या राहुल गांधी? मोदी। चलिए थैंक यू। माता जी इस बार नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी पीएम कौन बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। मोदी या गांधी? मोदी। सर मोदी या गांधी? कौन गांधी? कौन राहुल गांधी? नहीं मोदी होना चाहिए। मोदी बनना चाहिए। आप क्या सोचते हैं मैम? मोदी। मोदी। मोदी बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए? मोदी सही है। मोदी सही है। मोदी कौन? मोदी। 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 नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी नहीं, मोदी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, और इसलिए मोदी चाहिए क्योंकि मोदी के अलावा कोई कटक निष्ठा के साथ कार्य कर ही नहीं सका है आज तक, और न ही कोई कर पाएगा, और यहाँ पर भ्रष्टाचारियों और जितने भी लोग हैं यह देश को आगे विकास की ओर ले जाने में कोई सक्षम ही नहीं, इसलिए मोदी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं। फर्ज कीजिए अगर मोदी जी राजनीति से संन्यास ले लें तो फिर क्या विकल्प है? मोदी जी संन्यास लेने के बाद क्या हमारे यहाँ की पीढ़ी ही समाप्त हो जाएगी? उनके पद चिन्हों पर चलने वाले उनसे भी कड़े कदम हथियार करने वाले हमारे देश में हैं। कौन हो सकता है? अब उसके लिए तो उनको देंगे ना, किसको उसके लिए निकाले हैं तमाम है, लेकिन अभी जग जाहिर नहीं किए हैं। चलिए हाँ बहुत धन्यवाद। अजी इस बार कौन, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी? ये तो अभी कहना मुश्किल ही है, मतलब अभी तो 99% मोदी जी है। मोदी जी, जी। सर क्या सोचते हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नहीं मोदी। मोदी जी, जी। क्यों? जी इसलिए कि अच्छा काम कर रहा। अच्छा काम कर रहे हैं।
अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, मोदी जी बनना चाहिए, मोदी जी राहुल गांधी कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री आपकी बात? मोदी जी, मोदी और क्या?